hello everyone i am poonam som welcome you all in our youtube channel sims official today in this video we will continue the same chapter the making of regional cultures so let's start it यस yes, तो हमने यहाँ पढ़ा कि मै मे, मैनामती और गोपीचंद्र और धन ठाकुर के बारे में तो इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पर द नाच्स वर एसेटिक ठीक है आ, जो नाच्स होते थे वो क्या होते थे सन्यासी यानी कि सैनस हुआ करते थे एसेटिक्स हु इंगेज इन अ वैरायटी ऑफ योगिक प्रैक्टिस जो ज़्यादातर योगा प्रैक्टिस में योगिक प्रैक्टिस में ही इन्वॉल्व रहते थे ठीक है This particular song, this particular song, which was often in, in enacted, uh, described how Menamati, a -hmm. queen, encouraged her son Gopichanda to adopt the path of ascetic, asceticism in the face of a variety of uh, obstacles. मैनामती के लिए जो लिखे गए सॉन्ग थे जो गे जो स्पेशल सॉन्ग्स थे पर्टिकुलर सॉन्ग्स ये वो थे जो अक्सर क्या किया जाता था जिसमें ये बताते हैं इन सॉन्ग्स में बताया जाता है कि कैसे रानी मैना ने अपने बेटे गोपी चंद्र को अनेक मतलब बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स यानी कि परेशानियों को उनकी बहुत सारी परेशानियों के सामने उनको मतलब उनसे परेशानियों से टैकल करने के लिए या उनको परेशानियों को सामना करने के लिए संन्यास का ठीक है यानी कि एसेटिक का जो रास्ता था उनको उसको अपनाने के लिए उन्होंने अपने बेटे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था या मोटिवेट किया था ठीक है वो चाहती थी कि उनका जो गोपी चंद्र है वो संन्यास का रास्ता अपना लें ताकि वो जो भी डिफरेंट uh, टाइप की जो ऑब्स्टिकल्स हैं या परेशानियां हैं वो उनसे मुक्त हो सकें धर्म ठाकुर इज़ अ पॉपुलर रीजनल डाइटी धर्म ठाकुर के बारे में अगर हम बात करें तो ही वॉज़ अ पॉपुलर रीजनल डाइटी यानी कि हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय लोकप्रिय भगवान या देव ठीक है जैसे होता है पर्टिकुलर किसी एरिया के कि भी वो यहाँ के देव हैं तो लाइक दैट ऑफन वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोन और अ पीस ऑफ वुड जिनकी जो मूर्तियाँ हैं वो पत्थर के रूप में भी मिलती हैं और इवन की लकड़ी से बनी हुई भी मूर्तियाँ भी पूजी जाती हैं

तो अगर हम बात करें टेक्स की तो दो जो टैक्स मिले हैं लिटरेचर के लिटरे कौन से बंगाली लिटरेचर के तो जो फर्स्ट टैक्स है उसे कैटेगरी को फाइंड आउट करना या उसको पढ़ पाना ज़्यादा इजी है कैसे क्योंकि ये सब हमें मेन्यूस्क्रिप्ट में लिखा हुआ मिल जाएगा ठीक है और मेन्यूस्क्रिप्ट में वो सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा जो उस टाइम पर फिफ्टीन और मेड एटीन सेंचुरी तक जो भी रिलेटेड टू दैट लिटरेचर हुआ होगा सो दोज बिलोंगिंग टू द सेकेंड कैटेगरी इसीलिए हमारे पास मैनोस्क्रिप्ट में लिखा इसलिए आज भी अवेलेबल है ठीक है एक्यूरेट थिंग्स हम उनके बारे में जान सकते हैं बट जो सेकेंड कैटेगरी है इसमें क्या है सर्कुलेटेड औरली एंड कैन नाट बी प्रिसाइजली डेटेड मगर इसमें क्या है प्रॉपरली किसी भी डेट का एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है कि इस सदी में या इस सेंचुरी में या इस टाइम पर इस चीज़ को फॉलो अप किया गया था देवर पर्टिकुलरली पॉपुलर इन ईस्टर्न बंगाल और ये जितनी भी एक्ट हैं यानी कि जैसे हम कह रहे हैं इनके बारे में बात कर रहे हैं लोकल डाइटीज़ के बारे में तो वो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर पॉपुलर थे ईस्टर्न बंगाल में वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्राह्मणाज वज रिलेटिवली वीक जहाँ पर जहाँ पर जो ब्राह्मणार्स थे वो बहुत ही कम रहा करते थे उनके कांटेक्ट्स बहुत कम थे तो ब्राह्मण्स की हेल्प से हमें क्या मिल गए थे मैंने की वजह से हम फर्स्ट कैटेगरी को प्रॉपरली आज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं ठीक है मगर या उन चीज़ों के बारे में आज भी हम जान सकते हैं कि ये किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे या वहाँ पर क्या चीज़ प्रैक्टिस की जाती थी बट सेकेंड कैटेगरी में जहाँ पर सिर्फ लोकल तक की बात है या फोक टेल्स स्टोरीज या फिर लोकल टाइटिस की बात है तो उनके बारे में हमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है ठीक है ये वो हैं जैसे हमने यहाँ पर सॉन्ग सुना ठीक है कि पर्टिकुलर सॉन्ग्स होते थे या स्टोरीज होती थी या फोक टेल्स होती थी तो वो जैसे जैसे आ, लोगों से एक सदी मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती गई तो वैसे ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास गैदर हो जाए ठीक है नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पीर एंड टेम्पल्स पीर एंड टैम्पल्स फ्रॉम द सिक्सटीन सेंचुरी सिक्सटीन सेंचुरी में से पीपल बिगेन टू माइग्रेट इन लार्ज नंबर फ्राम द लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल टू forested and marshy areas of south eastern Bengal ठीक है 16th सेंचुरी में जो लोग थे वहाँ के जो जो इस्पेशली वेस्टर्न बंगाल में रहा करते थे तो वहाँ का एरिया ज़्यादा फर्टाइल नहीं था यानी कि वहाँ की सॉयल ज़्यादा फर्टाइल नहीं थी तो उन्होंने वहाँ से मूव कर लिया साउथ एंड ईस्टर्न Bengal की तरफ जहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट और नहीं? फोस्टर फॉरेस्टेड एंड मार्शी एरियाज थे यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों से भरे हुए और दलदली एरियाज थे एज द मूवड ईस्टवर्ड जैसे उन्होंने ईस्टवर्ड की तरफ मूव किया दे क्लियर फॉरेस्ट एंड ब्रॉड द लैंड अंडर द कल्टिवेशन उन्होंने uh, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को साफ़ करना शुरू किया और उसके बाद वहाँ की जो लैंड थी उसे कल्टिवेशन के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया यानी कि एग्रीकल्चर वहाँ पर शुरू कर दिया और सबसे पहले राइस कल्टिवेशन करना शुरू किया ग्रेजुअली धीरे ही धीरे लोकल कम्युनिटीज ऑफ़ फ़िश फ़ॉर फ़ फॉक फिशर फ शफ्टि कल्टिवेटर्स ऑफ वन ट्राइबल्स विद द न्यू कम्युनिटीज़ ऑफ पीजेंट धीरे धीरे एग्रीकल्चर करते हुए वहाँ पर और भी कम्युनिटीज़ डेवलप हुई जैसे uh, फिशर फॉक यानी कि मछली पकड़ने वाले ठीक है आ, जो वहाँ पर रहने वाले आसपास के एरिया में मछली पकड़ने वाले और कुछ ऐसे जैसे हमने क्या पढ़ा था शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स ठीक है कि एक जगह से फिर दूसरी जगह खेती कर ली एंड कई बार ये जो लोग थे वो ज़्यादातर जनजातीय यानी कि ऐसी आ, मतलब तो वहाँ के जो ट्राइब्स में रहने वाले लोग थे ट्राइबल्स ही हुआ करते थे और ये बाद में इन्हें कुछ और भी कम्युनिटीज़ ने पीजेंट्स की कम्युनिटी ने आकर जॉइन कर लिया था दिस द दिस कॉन्साइडेड विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल कंट्रोल ओवर बंगाल विद देयर कैपिटल इन द हार्ट ऑफ द ईस्टर्न डेल्टा एट ढाका इन्हीं दिनों बंगाल पर जब मुगलों का मुगलों ने कंट्रोल कर लिया या उनका जो कंट्रोल था वो पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो गया था तो उन्होंने पूर्वी डेल्टा के सेंट्रल पार्ट में जाकर ढाका सिटी में अपनी राजधानी बना दी ठीक है तो जब मुगल्स का जब कंट्रोल हुआ बंगाल पर तो उन्होंने देर कैपिटल उन्होंने यहाँ जो ईस्टर्न पार्ट का यानी कि ईस्टर्न डेल्टा का एक सेंट्रल में रहने वाला एक सिटी थी या फिर एक क्या आ, एक एरिया था ढाका ठीक है जो लगभग कैपिटल इन द हार्ट ऑफ द ईस्टर्न डेल्टा था तो उसे अपनी राजधानी बनाया ढाका को ऑफिशियल्स एंड फंक्शनरीज इज फंक्शनरीजीव लैंड एंड द ओपन सेटअप द मॉस्क एंड द सर्वड एज सेंटर फॉर द रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस एरिया यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया गया आ, अपनी राजधानी ढाका को राजधानी बनाने के बाद ठीक है वहाँ के जो भी ऑफिशियल्स थे यानी कि जो अधिकारी थे और जो वर्कर्स थे यानी कि कर्मचारी थे उन्होंने वहाँ पर भूमि मतलब जो लैंड पर कब्जा कर लिया एंड अक्सर उस पर लैंड पर कब्जा करने के बाद वहाँ पर ज़्यादातर मॉस्क बन जाती थी यानी कि मस्जिदें बन जाती थी जो इन इलाकों में Uh, एक तरह से हम कहते हैं कि रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती थी कि जैसे सेट सेटअप द मॉस्क एंड सर्व एज अ सेंटर फॉर द रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह से ये उनका सेंटर बनता जा रहा था जहाँ पर किसका मुगल्स का ठीक है उन्होंने मॉस्क uh, बना दी थी और ये एक सेंटर बन गया था जहाँ पर धार्मिक स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन इन एरियाज़ में किया जाता था ठीक है यानी कि लोगों को अपना धर्म चेंज कर लेते थे इजिली and the early settlers sought to some order and assurance in the unstable condition of the new settlement. स्टार्टिंग में uh, जो बाहर से आने वाले लोग थे यहाँ पर अर्ली सेटलर्स जो थे पहले से बसे हुए लोग ठीक है तो जो यहाँ पर आके जो बसने वाले लोग थे बाहर से तो <coughs> उनके लिए वो कुछ चाहते थे कि एश्योरेंस था अनस्टेबल कंडीशन ऑफ द न्यू सेटलमेंट वो चाहते थे कि जो भी अनस्टेबल कंडीशंस हैं यानी कि जो बिल्कुल परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं हैं तो वो उनमें एक स्टेबिलिटी चाहते थे वो चाहते थे कि वहाँ पर नए सेटलमेंट हो सके दीज वर प्रोवाइडेड बाई कम्युनिटी लीडर्स एंड हु ऑल्सो फंक्शन एज अ टीचर एंड एजुकेटर एड एजुडिकेटर्स एंड वर्ड समाइम्स एस्क्राइब्ड विद द सुपर नेचुरल पावर्स पीपल रिफर्ड टू दैम विद द अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट एज पीस ठीक है तो यहाँ पर जब वो चाहते थे कि वो सेटलमेंट हो सके बाहर से आए हुए लोगों का या जो लोग थे उनको भी एक स्टेबिलिटी मिल जाए तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो भी इनको सुख सुविधा यानी कि फैसिलिटीज़ देने में और इनको पूरी तरह से एश्योर करने में सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसने भागीदारी निभाई थी या बहुत ज़्यादा जो अटेंटिव थे वो थे यहाँ के लीडर्स ठीक है लीडर्स जो Uh, एक तरह से uh, वे कौन एक तरह से टीचर का वर्क करते थे ठीक है टीचर और टीचर्स का और एक तरह से डिसीजन मेकर का वर्क किया करते थे या अपने मतलब तो जो अपनी एजुकेशन के बेस पे लोगों को कंसोल uh, या फिर उनको उनके प्रॉब्लम्स को सेटल किया करते थे तो ये जो uh, ये अलग तरह की भूमिकाएं भी निभाते थे कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि ये जो लीडर्स थे ठीक है उनके पास कुछ ऐसी सुपर पावर्स भी थी यानी कि अलौकिक शक्तियाँ पीपल रिफर टू दैम इसी जो नॉर्मल पीपल थे वो उन्हें रिस्पेक्ट से यानी कि आदर से पीर कहा करते थे क्योंकि उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती थी और वो लोगों की प्रॉब्लम्स को उनके थ्रू सॉल्व करते थे सो दिस टर्म इंक्लूडेड सैंथ और सूफीज एंड अदर रिलीजियस पर्सनैलिटीज डेयरिंग डेरिंग कोलोनाइजर्स एंड एंड डिफाइड सोल्जर्स वेरियस हिंदू एंड बुद्धिस्ट डाइटीज एंड इवन एनिमिस्टिक स्प्रिट्स तो जब इन लोगों को मतलब जो जिनके पास सुपर नेचुरल पावर हुआ करती थी जो लोगों की हेल्प किया करते थे लोग उनसे बड़े इंस्पायर होते थे और उन्हें रिस्पेक्ट देते थे ठीक है और उन्हें पीर कहा जाता था तो ऐसे ही इसी श्रेणी में यानी कि जिस तरह से पीर थे ऐसे ही इनको कुछ और लोग जॉइन जैसे कि सेंट होते थे सूफीज होते थे उनकी भी अपनी एक रिली मतलब वो भी उनकी भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस बढ़ती जा रही थी आ, बाकी अनेक जो आ, उसके अलावा सेंट और सूफीज के अलावा और भी अधिक आ, अलग जो धार्मिक यानी कि रिलीजियस पर्सनालिटीज़ थी जो वो काफ़ी साहसी होते थे काफ़ी करेजियस होते थे एंड एंड डिफाइड सोल्जर्स Uh, वो कुछ इस तरह से बा uh, मतलब कैसे कहते हैं कि जैसे गॉड गिफ्टेड सोल्जर्स की तरह ठीक है वॉरियर्स की तरह वर्क करते थे लोगों को प्रोटेक्ट करते थे इनमें हिंदू और बौद्ध देवी देवताओं के अलावा यहाँ तक कि कुछ ऐसी एसिड एनिमिस्टिक स्प्रिट्स भी थी सो द कल्ट ऑफ पीर्स बिकेम वेरी पॉपुलर एंड देयर श्राइन्स श्राइंस अः कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन बेंगौल इसीलिए पीर बाबाओं की या पीरों की पूजा पद्धति इस वहां पर बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गई लोगों का उन पर ज्यादा विश्वास हो गया और आज भी आ, उनके टाइम में आ, आज भी क्या है वहाँ पर बंगाल में सबसे ज़्यादा मज़ारें पाई जाती हैं श्राइंस मीन्स क्या होती है मज़ार ठीक है तो बंगाल में सबसे ज़्यादा मज़ार पाई जाती हैं हम बात करते हैं यहाँ पर एनिमस का का मीनिंग क्या है एनिमज मतलब एट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग सोल टू प्लांट्स इनि इन, इन, सॉरी इन एनिमेट ऑब्जेक्ट एंड नेचुरल फिनोमिना ठीक है यह मानना कि जो पेड़ पौधे हैं और बाकी जो वस्तुएं हैं या फिर प्राकृतिक घटनाएं हैं वो भी अपने आप में एक जीवात्मा है ठीक है यानी कि उनमें भी एक आत्मा है या वो एक सुपर नेचुरल पावर है तो उनके बारे में मानना तो लोग ऐसी ही चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करने लगे थे ठीक है